नमस्कार साथियों, मेवाड़ ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित एग्ज़ाम NHM राजस्थान एंड CHO दोनों एग्ज़ामों के अंदर करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो एक ही क्लास में लेकर आया हूँ जिसके अंदर 2023 यानी 6 महीने पुराने एवं जो जनवरी चल रहा है उसके सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो आपके मैं लेके आया हूँ। समसामयिकी है इसके अंदर, राज्य राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय खेल अवार्ड और जितनी भी सारी घटनाएं हुई या खेल हुए उन सब से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स आपके बन सकते हैं GK के क्वेश्चन समसामयिकी के, तो वो 5 नंबर का जो आपके टॉपिक है और राजस्थान का 5 नंबर का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपके थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। तो 5 से 7 MCQ आपके इसके आ सकते हैं, तो 5 से 7 MCQ में से 3 MCQ भी अगर आपके लगते हैं इस एग्ज़ाम में, और इतना विश्वास से कहता हूँ कि 3 या 4 MCQ आपके इस एग्ज़ाम में आएंगे इस क्लास से, तो 3 या 4 MCQ आ रहे हैं मतलब 12 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो रहे हैं। ठीक है, 12 से 16 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं। ठीक है, अब 400 का पेपर है और 12 से 16 नंबर अगर पक्के होते हैं इस एक ही क्लास से तो आपको कितना बड़ा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो 183 नंबर की जो क्लास है अपनी वो मैं यहाँ पे कैरी ऑन करने जा रहा हूँ। तो एक यहाँ पे मोटिवेशनल थॉट आप सभी के लिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हो के ना यो माउस बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, क्या क्या कहा है, बहुत अच्छा कहा है किसी ने कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हो के ना यो माउस बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। किसी ने और क्या खूब कहा है कि बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में टाइम लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में टाइम लगता है, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ी और मेहनत कर, क्योंकि किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपन करंट अफेयर्स 2023-24 की जो क्लास है अपनी वो अपन कैरी ऑन करते हैं। धमाकेदार क्लास, रैपिड सेशन पूरा का पूरा। वीडियो अगर समझ में ना आए, थोड़ा बहुत अगर लाइनें ऊपर नीचे हो जाए और समझ में नहीं आए तो रिपीट देखना क्लास को, थोड़ी रैपिड सेशन चलेगा, मतलब थोड़ा फास्ट क्लास, कंटेंट बहुत सारा है क्योंकि 6 महीने का GK है, तो 6 महीने के GK को कराने में कम से कम अपने को कितना टाइम चाहिए, 2 या 3 घंटे चाहिए, और इतना टाइम अपने पास में अभी है नहीं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पुट करूँगा, डायरेक्ट राइट आंसर पुट करूँगा एंड उसका थोड़ा बहुत रेशनल। तो शुरू करते हैं हम इस सेशन को आज के। पहला ही MCQ आपके सामने वर्ल्ड कप के ऊपर से है, वर्ल्ड क्रिकेट जो चैम्पियनशिप है उसके ऊपर से है कि WCC मेन का मतलब होता है अभी जो मेल जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में बात कर रहा है। 2023 में होस्ट किसने किया था, ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा आयोजन किसने किया था, कौन से देश ने किया था आयोजन। ठीक है, 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। अपन को इतना पता है कि अपन 1:30 बजे मैच देखने बैठ जाते थे, 1:30 बजे मैच देखते थे मतलब अपने इंडिया का टाइम शेड्यूल है, वो किसका टाइम शेड्यूल है, इंडिया का। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं बात करूँ तो सुबह 9 बजे स्टार्ट होना चाहिए था मैच, तब जाके पूरे दिन में ख़त्म होता है। इंग्लैंड की मैं बात करूँ तो शाम को स्टार्ट होना चाहिए था, मतलब शाम को मतलब 5 बजे 6 बजे, क्योंकि उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ऐसे ही चलता है। साउथ अफ्रीका का भी टाइम ड्यूरेशन ऐसे ही चलता है, इंडिया का ही यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन सेट बैठता था, और इसीलिए होस्ट किसने किया था, यहाँ पे इंडिया ने होस्ट किया था, मतलब इंडिया मेजबान था इस बार। ठीक है, लेकिन इंडिया यहाँ पे मेजबान था, विनर नहीं था, जीता किसने था, ऑस्ट्रेलियन जीता था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आपके समसामयिकी के ऊपर से आ सकता है। नेक्स्ट MCQ आपको क्या पूछा जाएगा, हु प्लेयर इज मैक्सिमम रन इन WCC मैन 2023। अब देखना, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आती है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के पास सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड भी है, इंडिया के ही खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए, इंडिया के ही खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा विकेट भी लिए, इंडिया के ही खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाए, और इंडिया के ही खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा सेंचुरी वनडे जो मैच होता है ना उसमें लगाने का यहाँ पर रिकॉर्ड भी बनाया। अब वो सारे कौन थे वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो पहला प्लेयर का नाम है यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल।
ठीक है, दूसरा नाम है रोहित शर्मा, तीसरा नाम है विराट कोहली, चौथा नाम है शुभमन गिल। यहाँ पे तीन नाम इंडिया से है, एक नाम ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे प्लेयर है ग्लेन मैक्सवेल। बताओ जल्दी से राइट आंसर ए बी सी डी। तो मैं ही बता देता हूँ इसका राइट आंसर का मैक्सिमम रन, रन के मामले में अगर मैं बात करूँ तो रन मशीन कौन है, अपना विराट कोहली, जिसको अपन चिकू बोलते हैं। ठीक है, यही चिकू है, रन मशीन है, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाए थे। और इन्होंने कितने रन बनाए थे, 700 प्लस। अब देखो 700 प्लस रन इन्होंने यहाँ पे क्या किए थे, बनाए थे, विराट कोहली ने 700 प्लस रन यहाँ पे इस एक ही WCC मैच में बनाए थे। ठीक है, मतलब WCC के जो 10 मैच हुए थे ना उनके अंदर। ठीक है, और रोहित शर्मा की मैं बात करूँ तो हिटमैन बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, हिटमैन। और इसने सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया, 6 सबसे ज़्यादा इसने ही लगाया। ठीक है, और विराट कोहली ने सबसे तेज 50 अपने शतक पूरे किए, 50 सेंचुरी वनडे के अंदर पूरी की। ठीक है, ये रिकॉर्ड भी अपने भारत के नाम है, रोहित शर्मा का छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने यहाँ पे एक ही कमी थी कि वर्ल्ड कप भी अपने पास में नहीं आया, बाकी सारा कुछ अपने पास ही था। नेक्स्ट ये है विराट कोहली की शक्ल, आप देख सकते हो, जिसने नहीं देखा है, जो क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है, फिर भी विराट कोहली को तो सब जानते हैं, लगभग ऑलमोस्ट सब जानते हैं। विक्स की गोली लो आराम पाओ, आपने देखा होगा ना बहुत सारी बार एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी में, विक्स की गोली लो और आराम पाओ। ठीक है, वही है विराट कोहली। नेक्स्ट, हु प्लेयर इज मैक्सिमम विकेट इन WCC मैन 2023, यानी 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे, सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है, क्या मोहम्मद सिराज के नाम पे, क्या है यहाँ पे एडम्स जंपा के नाम पे, एडम्स जंपा ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। ठीक है, फिर है मोहम्मद शमी, और फिर लिखा है यहाँ पे कुलदीप यादव। बताओ जल्दी से राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे दोस्तों, वो सिंपल सा राइट आंसर है, मोहम्मद शमी जाएगा। तीन मैच फर्स्ट के जो दो मैच है उसने नहीं खेले थे, दो या तीन मैच उसने फर्स्ट में नहीं खेले थे, उसके बाद में जो 7 मैच थे उनके अंदर उसने 25 प्लस, 25 क्या और ज़्यादा होगा, 25 से भी प्लस यहाँ पे क्या लिए, विकेट लिए थे, जो इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड नाम है, और बहुत ही कम मैच में। ठीक है, 7 या 8 मैच में ही इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया था, एक मैच में 7 विकेट लिए थे, सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इन्होंने 7 विकेट, और भारत को हारते हारते बचाया था। ठीक है, इनका नाम है मोहम्मद शमी, राइट आंसर यहाँ पे 29 प्लस है, देखो मैंने कहा था 25 प्लस और यहाँ पे 29 प्लस आ रहा है। ठीक है, ये है मोहम्मद शमी, जिसके यहाँ पे पास सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है मोहम्मद शमी, और इन्हीं को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, 2023 के जितने भी सारे मैच हुए उनके लिए इनको 2024 जनवरी के अंदर, इसी महीने के अंदर उनको सम्मानित भी किया गया था, अर्जुन अवार्ड इनको मिला था। अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है, जो निशानेबाजी में मतलब हो, ठीक है, निशानेबाजी में मतलब कारगर साबित हो। अब इन्होंने निशाना किससे लगाया था, बॉल से निशाना लगाया था, विकेट को, इसलिए इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको कि विच टीम इन विनर इन WCC मैन 2023, यानी 2023 के अंदर कौन सी टीम है जो विजेता है इस WCC की, मतलब वर्ल्ड कप किसने जीता था इस बार। ठीक है, इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था क्या, इंडिया ने जीता था, इंग्लैंड ने जीता था, या साउथ अफ्रीका ने जीता था, बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर। तो इंग्लैंड तो पहले ही बाहर हो गई थी, इंग्लैंड तो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ठीक है, इंग्लैंड को तो बाहर कर दो। रही बात साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका भी यहाँ पे क्या हुई थी, हार गई थी। किससे हारी थी साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हारी थी ऑस्ट्रेलिया से। और अपन ने किसको हराया था, इंडिया ने किसको हराया था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास में ही देश है जिसको अपने हराया था, न्यूजीलैंड को। ठीक है, याद नहीं आया था, न्यूजीलैंड को हरा के इंडिया फाइनल में पहुंची थी, और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के यहाँ पे फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, अब इंडिया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अपना अहमदाबाद के अंदर, जो वर्ल्ड का एक नंबर का स्टेडियम है, वर्ल्ड का नंबर वन, 1,30,000 सीटिंग है वहाँ पे। ठीक है, उस सीटिंग के हिसाब से वह सबसे बड़ा स्टेडियम है, और उसी स्टेडियम में ये मैच हुआ था, और ये मैच किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, इंडिया इसमें हार गई थी। सब रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सारे बड़े बड़े यहाँ पे नाम इंडिया के नाम है। ठीक है, विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन, मोहम्मद शमी सबसे ज़्यादा यहाँ पे विकेट, और अगर छक्के की बात करें तो रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले, सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले इंडिया की विराट कोहली है। ठीक है, फिर भी वर्ल्ड कप किसके नाम गया, ऑस्ट्रेलिया का, बस वर्ल्ड कप ही सबने पास में नहीं आया, बाकी सब कुछ इंडिया के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीती थी ये वर्ल्ड कप 2023 वाला, ये वाला देखो 2023 ODI वर्ल्ड कप चैंपियन, ये ऑस्ट्रेलिया की पीली जर्सी दिख रही है आपको, कंगारू इनको बोलते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमम सेंचुरी इन आईसीसी ओडीआई फॉर्मेट फॉर्म बाय, ठीक है, मैक्सिमम सेंचुरी है आईसीसी ओडीआई के अंदर वो किसने बनाई थी, कोहली ने, मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा सेंचुरी अभी तक की, ठीक है, तो याद रखना पहले तो इसका नाम था, पहले वाला एग्जाम में आता था तो अपन तेंदुलकर करते थे, सचिन तेंदुलकर का नाम आता था, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ओडीआई के अंदर अभी तेंदुलकर को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, तेंदुलकर के 49 सेंचुरी है सिर्फ ओनली फॉर, इनके 50 सेंचुरी हो चुकी, 50 सेंचुरी हो चुकी, हालांकि तेंदुलकर ने सब फॉर्मेट मिला के 100 सेंचुरी बनाई थी, लेकिन ओडीआई में उनके 49 सेंचुरी है, ठीक है, और यहाँ पे विराट कोहली की कितनी है, विराट कोहली के 50 सेंचुरी हो चुकी है, तो राइट आंसर यहाँ पे भी ए चला जाएगा, विराट कोहली का नाम आता है। एमएस धोनी है बहुत अच्छा, कूल एंड शांत, यहाँ पे क्या है, विकेट कीपर, बल्लेबाज था, ठीक है, ये भी मतलब ये रिटायर हो चुका है, ठीक है, और रोहित शर्मा अभी भी खेल रहा है, ये है विराट कोहली। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड 2024 इन इंडिया गिवन हु इज द क्रिकेट प्लेयर, मतलब 2023 में जो मैच हुआ था सारे के सारे उनमें बहुत अच्छा यहाँ पे करने के लिए इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, किसको दिया गया था, अर्जुन अवार्ड, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर में, तो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, मोहम्मद सिराज को और मोहम्मद शमी को, तो बल्लेबाज को तो यहाँ से करना है बाहर, और अब इन दो में से राइट आंसर है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मोहम्मद शमी का नाम लिया था तब, मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड भी मिला था, ठीक है, निशानेबाज के रूप में। नेक्स्ट ये देखो क्या लिखा हुआ है कि अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार किसने जीता 2024, मोहम्मद शमी ने जीता था, ओजस देवताले ने जीता था, मतलब ये अलग अलग है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है या 2024 का, अर्जुन यहाँ पर मोहम्मद शमी क्रिकेट के अंदर, ओजस देवताले और अंतिम बंगाल, ऐश्वर्या तोमर, पेरा, ऐश्वर्या तोमर और पेरा ये तीरंदाज में जीता था इन्होंने, और शीतल ने अर्जुन पुरस्कार जीता, साची को खेल रत्न मिला था, साची नाम की कोई है उसको भी खेल रत्न मिला था, ये आपको पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के रूप में। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट है खेल रत्न 2023 किसने जीता था, तो खेल रत्न एक ही नाम आपको याद रखना, पूरी याद नहीं रखनी अपन को रामायण, अपन को सिर्फ सात्विक साईराज और रकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन दोनों को मिला था, ये बैडमिंटन की जोड़ी है, किसकी जोड़ी है, बैडमिंटन के अंदर खेल रत्न पुरस्कार मिला था 2023 का, ठीक है, और शेट्टी को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, ये भी पुरस्कार मिला है इनको, इसी को बोलते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को ही अपन क्या बोल सकते हैं, खेल रत्न पुरस्कार बोल सकते हैं, ठीक है, और मोहम्मद शमी है वो तेज गेंदबाज है, अब अभी के भारतीय क्रिकेटर और तेज गेंदबाज शमी को भी इसी साल प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अब राजीव गांधी खेल पुरस्कार को ही अपन बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, इसका नाम बदल दिया, पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार था, ठीक है, अब बीजेपी आ गई है तो बीजेपी अब राजीव गांधी नहीं रखेगी नाम, तो इसको चेंज कर दिया, इस नाम को चेंज कर इन्होंने क्या किया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि मेजर जो ध्यानचंद थे वो हॉकी के सबसे मतलब बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे, उन्हीं के नाम पर इन्होंने ये नाम रख दिया है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपको कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का संबंध किससे है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से है, मतलब उन दोनों का नाम एक ही है, ठीक है, बदल के ये रखा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, ठीक है, तो राजीव गांधी, यहाँ पे मेजर ध्यानचंद नहीं पूछ रहा, मेजर ध्यानचंद तो नाम बदलने के बाद हुआ, राजीव गांधी जब तक था नाम तब तक एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो कर्णम मलेश्वरी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसने जीता था, तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी का यहाँ पे विजेता होता है और लाइफ टाइम यहाँ पे पुरस्कार होता है, तो जस कीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ एंड भास्करन ई, ये कबड्डी में जीता था इन्होंने, ये गोल्फ में जीता था, ये दोनों ही पुरस्कार जीतने वाले हैं, तो जस कीरत सिंह ग्रेवाल आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है, आईफा अवार्ड, IFA आईफा अवार्ड का बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता था 2023 वाला, ठीक है, तो आलिया भट्ट ने जीता था, रणबीर कपूर ने, अर्जुन अल्लू अर्जुन ने, या फिर हृतिक रोशन ने, ऋतिक रोशन ने, बताओ जल्दी से इसका क्या होगा आंसर, ABCD, तो यहाँ पे ऋतिक रोशन जो है वो राइट आंसर जाएगा, एक्टर का, बेस्ट एक्टर की पूछे आपको ऋतिक रोशन लिखना है, बेस्ट एक्ट्रेस पूछे आपको तब आलिया भट्ट लिखना है, ठीक है, क्या लिखना, आलिया भट्ट। अब मैं आपको चारों अवार्ड बता देता हूँ इसके फिल्म इंडस्ट्रीज के आईफा अवार्ड के ऊपर से, कि आईफा अवार्ड जो है वो 23वां नंबर का आईफा अवार्ड था, मतलब 23 22 इससे पहले दे चुके हैं, ठीक है,
मतलब ये लगभग शुरू हुआ था कम से कम 2000 के आसपास शुरू हुआ था, ठीक है, 2000 के आसपास देना शुरू किया था, हर साल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विनर के नाम है अलग अलग, बेस्ट यहाँ पे डायरेक्टर का नाम है आर माधवन, क्या नाम है, आर माधवन, द नेबी इफेक्ट के रूप में इनको रॉकेटरी के रूप में इनको मिला था। और आलिया भट्ट जो है बेस्ट एक्ट्रेस है, और ये गंगूबाई काठियावाड़ी है उस फिल्म के ऊपर दिया गया था, गंगूबाई काठियावाड़ी है उसमें आलिया भट्ट ने बेस्ट एक्ट्रेस का रोल किया था, ठीक है। और पूरे साल की जो फिल्में हैं उनके अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन आलिया भट्ट को दिया गया था, ठीक है। और हृतिक रोशन है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था विक्रम वेदा, विक्रम वेदा जो मूवी है उसके अंदर इन्होंने इनको दिया गया था, ठीक है। बेस्ट एक्टर का रोल इन्होंने प्ले किया था, मतलब पूरी साल की फिल्मों के अंदर बेस्ट एक्टर का रोल प्ले किया था, इसीलिए इनको ये मतलब अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा अवार्ड है फिल्म इंडस्ट्रीज का, ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं जिसे, 95 मतलब 95 नंबर का ऑस्कर अवार्ड इस साल दिया गया था, ये 2023 में मतलब गया जो साल, फुल विनर लिस्ट मतलब 95 यानी 95 ऑस्कर अवार्ड में भारत का परचम लहराया एस राजामौली की फिल्म आर 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 जो मूवी है ना अल्लू अर्जुन की, ठीक है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, ठीक है, वो जो उसके अंदर बोलता है उसी फिल्म का एक बेस्ट गाना है जिसका नाम है नाटू नाटू। इस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला, ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल का मतलब बिल्कुल ओरिजिनल है, नया है गाना, मतलब कोई भी यहाँ कॉपी नहीं किया इन्होंने, नया है गाना, और इसी के कैटेगरी में बेस्ट माना है इस नाटू नाटू को, ठीक है, और ये ऑस्कर अवार्ड मिला है। एग्जाम का यहाँ पे कॉम्पिटिशन एग्जाम में दो एग्जामों में अभी रिपीट हो चुका है, अभी जस्ट, ठीक है, अभी तो दिसंबर जनवरी के अंदर जो एग्जाम हुए उनके अंदर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, ये मैं लगा रहा हूँ स्टार, वो भी 3 स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन पर 3 स्टार लगा रहा हूँ कि नाटू नाटू किस मूवी का है, तो आरआरआर मूवी का है, एस राजामौली की फिल्म है, डायरेक्टर वो है इसके, और नाटू नाटू बेस्ट सॉन्ग के रूप में इनको अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड 2023 मिला था, वो कौन सा ऑस्कर अवार्ड है अभी का जो मिल रहा है 95 नंबर का, ठीक है, मतलब 95 नंबर का अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो नाटू नाटू मूवी के लिए ये एस राजा मौली, ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला था, ये डायरेक्टर है दोनों ही, ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट वो अब यहाँ पे है दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के इंडस्ट्री यहाँ पे इंडिया के अंदर, वो ऑस्कर तो था वर्ल्ड के अंदर, ऑस्कर जो अवार्ड था वो तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया का परचम लहराया था उसकी बात की, अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो दादा साहब फाल्के की बात कर रहा हूँ। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो फिल्म इंडस्ट्रीज में दिया जाता है, और दादा साहब फाल्के जो फिल्म सिटी है वो है मुंबई के अंदर, और उसी फिल्म सिटी के अंदर ये आयोजन रखा जाता है, और उसी के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड दिया जाता है इंडिया के अंदर, ओनली फॉर इंडिया के अंदर दिया जाता है, ठीक है। तो बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान को इस साल का दादा फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऐसा पूछा जा सकता है कि अदाकारा वहीदा रहमान, ये नाम है, ये नाम याद रख लेना, ठीक है, बॉलीवुड की मशहूर है, ठीक है, ये भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में काम करने वालों को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, ये ओनली फॉर भारतीय सिनेमा के लिए है, वो पहला ऑस्कर था वो पूरे वर्ल्ड के लिए था, लेकिन ये पूरे भारत के लिए है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को इनको अवार्ड दिया था, मतलब पिछले बार, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है, ये तो बेस्ट यहाँ पे क्या था, पहले तो अभी जो बताया मैंने आपको ये तो था आपके सामने बेस्ट मशहूर बॉलीवुड की अदाकारा, अदाकारा के रूप में ये अवार्ड था। अब फिल्म कौन सी चुनी थी, दादा साहब फाल्के जो अवार्ड था वो फिल्म कौन सी थी, किस फिल्म को दिया था इन्होंने, ठीक है, तो वो फिल्म थी यहाँ पे एस राजामौली द्वारा निर्देशित, वो सेम है लेकिन ये फिल्म का नाम दूसरा है, तो मतलब एस राजामौली जो ऑस्कर अवार्ड मिला था ना वही है एस राजामौली, तो एस राजामौली द्वारा निर्देशित एवं जूनियर एनटीआर और रामचरण अभिनीत आर 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 को वर्ष की फिल्म नामित किया गया।
विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित। अब यहाँ पे निर्देशित, देखो ये तो है साल का सबसे बड़ा अवार्ड, तो किसको मिला था, जो पूरे वर्ल्ड का मिला था वो RRR मूवी को मिला था, नाटू नाटू सॉन्ग के ऊपर पे, ठीक है, वो फिल्म के नाम ही थे। और विवेक जो अग्निहोत्री है उसके द्वारा निर्मित एक फिल्म है द कश्मीर फाइल, जो आपने भी देखी होगी शायद, तो वो उस द कश्मीर फाइल को फिल्म महोत्सव के पुरस्कार में समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया। वो इंडिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, ठीक है, इंडिया के अंदर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। और कंतारा के ऋषभ शेट्टी को मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का खिताब दिया गया था, ठीक है, कंतारा के ऋषभ शेट्टी को, ठीक है। एक तो नाम विवेक अग्निहोत्री याद रखना आपको, द कश्मीर फाइल याद रखना है, जिसके ऊपर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड याद रखना है, और इस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर यानी इस साल की बेस्ट फिल्म चुना गया था द कश्मीर फाइल को, ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसने जीता था, तो नेशनल फिल्म जो पुरस्कार है, फिल्म अवार्ड, नेशनल यानी अपना खुद का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है अपने इंडिया का, ठीक है, वो दादा साहब फाल्के था, वो अलग ही है बिल्कुल, और ये अलग है, दादा साहब फाल्के अलग है और ये नेशनल है, ठीक है, ये सरकार देती है, ठीक है, दादा साहब फाल्के तो एक ट्रस्ट है फिल्म इंडस्ट्री का, वो देता है, ये सरकार देती है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के इतिहास में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पहली बार मिला है इनको, अल्लू अर्जुन को, ठीक है, अल्लू अर्जुन को, और किस फिल्म के अंदर मिला था, पुष्पा मूवी में, ठीक है, उन्होंने पुष्पा जो मूवी है, पुष्पा मूवी में उनके महान काम के लिए मान्यता मिलेगी। इसके अतिरिक्त आर माधवन की रॉकेटरी द नोबी इफेक्ट, ठीक है, ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था, ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है चंद्रयान के ऊपर से क्वेश्चन आपके बनेगा और बनेगा, ये 3 MCQ बन चुके हैं पिछले एग्जाम में। इसके चंद्रयान जब भेजा था ऊपर तब क्या क्या थे, रोवर था, लैंडर था, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी, ठीक है। तो चंद्रयान के ऊपर से कुछ MCQ आपके बन सकते हैं, तो एक तो इसमें पूछेंगे कि मिशन का बजट कितना था, तो बजट था 615 करोड़ का। लैंडिंग कब होनी थी, 23 या 24 अगस्त को, तो 23 अगस्त को हुई थी लैंडिंग, याद रख लेना, 24 को नहीं है 23 है, ठीक है। और चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा जो है वहाँ से इसको रवाना किया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी इसरो जो है ना, भारत का इसरो होता है, ठीक है, स्पेस एजेंसी का नाम है भारत की इसरो, और नासो किसका है, अमेरिका, ठीक है। तो 14 जुलाई को इन्होंने क्या किया था, 2023 को दोपहर 2:35 पर इन्होंने क्या किया था, यहाँ से ऊपर उड़ाया था रॉकेट को, ठीक है, चंद्रयान 3 को उड़ाया था, और ये कब पहुँचा था, 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को पूरे चंद्रमा के ऊपर पहुँच गया था, ठीक है। नेक्स्ट, और चंद्रमा की पूरी जानकारी दी थी। अब यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे डेट दे रखी है चंद्रयान का सफ़रनामा। अब चंद्रयान का सफ़रनामा की मैं अगर बात करूँ आपके सामने, ठीक है, तो इसके अंदर इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख को ऐलान किया, ऐलान कब किया था, 6 जुलाई को, और 14 जुलाई को क्या किया था इन्होंने, चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 उड़ान भरी थी, 2:35 पर यानी 2:30 के लगभग, 2:30 के मतलब 5 के ऊपर इन्होंने क्या की थी, उड़ान भरी थी चंद्रयान, ठीक है। और 20 अगस्त को यह अंतिम डिब्यूस्ट ऑपरेशन पूरा किया, मतलब 20 अगस्त को यह अंतिम ऑपरेशन में पहुंच गया था, अंतिम पड़ाव में पहुंच गया था, और 23 अगस्त को शाम को 6:02 ऊपर थे, तो उस समय ये क्या गया था, शाम को चांद की सतह पर उतर गया, ठीक है, ये पहले का है स्लाइड, तो उतर गया था 23 तारीख को, ठीक है। ये एग्ज़ाम में एक 23 तारीख पूछ सकते हैं, 14 जुलाई को भेजा कब था और वहाँ पे पहुँचा कब था, ये चीज़ें आपको पूछा जा सकता है। बस इतनी सी बात आपको पूछेंगे इस छोटे से एग्ज़ाम में NHM के, बाकी ज़्यादा आपको नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट है चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और इस योजना को अब आयुष्मान कार्ड योजना के अंदर बदल दिया, आयुष्मान भारत योजना थी उसमें चेंज कर दिया है, ठीक है। नाम यही है अभी भी, कि यही पूछ रहा है कि आयुष्मान भारत के अंदर इसको किस साल इसमें बदला है, ठीक है। मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी बीमा योजना है उसको इंक्लूड किया गया आयुष्मान भारत योजना में, कब, कौन से साल में। पहला ऑप्शन है जनवरी 2024 में, फिर है मई 2021, जनवरी 2023 या जनवरी 2022। तो जनवरी 2024 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा,
ठीक है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है। और ये योजना है वो शुरू कब हुई थी ऐसा भी पूछा जा सकता है, शामिल कब किया और शुरू कब हुई थी, तो 1 मई 2021 को ये शुरू हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में दे रखा है और आपके इस योजनाओं के और प्रोग्राम के ऊपर से ही ऐसा बहुत बड़ा एमसीक्यू है, लेकिन घबराना नहीं है, बड़े एमसीक्यू को हिंदी में है पूरा, तो घबराना किस बात का। कि एक योजना है ऐसी जिसके अंदर इनमें से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती धात्री यानी गर्भवती यानी प्रेग्नेंट वुमन और उनके नन्हे शिशुओं यानी नियोनेट को 0 से 6 मंथ के बच्चे को, ठीक है, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान। गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, सुरक्षित प्रसव यानी सेफ डिलीवरी एंड स्तनपान यानी ब्रेस्ट ब्रीडिंग की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों द्वारा देखरेख एवं सेवाओं का उपयोग करने को बढ़ावा देना है। ऐसी कौन सी योजना है जो ये काम करती है, एक तो रिप्रोडक्शन का काम करती है, एक चाइल्ड की हेल्थ का काम करती है, ठीक है। क्या पहला ऑप्शन है मातृत्व प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दूसरी है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। पोषण योजना के अंतर्गत तो आप देखो पोषण की चीज अपन देते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर नहीं आएगा। मिशन वात्सल्य योजना, ये तो अनाथ बच्चों के लिए होता है। पालनहार योजना, ये दोनों ही अनाथ बच्चों के लिए होती है, ये दोनों भी नहीं होगा। ये यहाँ पे सुमन प्रोग्राम जो है इससे रिलेटेड था, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, मातृ वंदना योजना को ही अपन सुमन योजना बोलते हैं। सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है, सुमन, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान मातृ वंदना योजना के अंतर्गत आता है और इसी को अपन मानेंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे ए राइट आंसर है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग के ऊपर से दिए शायद, और 5 ऑप्शन है। देखो सबसे बड़ी चीज़ में एक क्वेश्चन लाने का मतलब यही था कि 5 ऑप्शन किस प्रकार से आएंगे। अब ये यहाँ पर समझ लेना कि आप गलती क्या करोगे, एग्जाम के अंदर गलती क्या करोगे, ऐसे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ऑप्शन है का विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ बैक्टेरियल डिजीज, ठीक है। अब आपने एग्जाम को अटैम्प्ट कैसे करना है, यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी डी और ई, ये गोले हैं, इस प्रकार से गोले आएंगे, ठीक है। अब देखो ये ई वाला गोला अलग कर देना, ठीक है, अब अभी भरना मत। पहला लिखा है यहाँ पे डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया, फिर प्लेग, फिर निमोनिया और डेंगू। तो यहाँ पे आपको पता है कि डेंगू क्या है, एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। अब मान लो इन चारों में से आपको कुछ भी नहीं आ रहा और आप छोड़ने के कगार पे हो, मान लो बाई चांस आपको आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन, ठीक है, अब आपको छोड़ना है, तो इस एग्जाम में इस बार पैटर्न बदल चुका है, कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे तो माइनस मार्किंग होगी 1/3 और गलत करोगे तो होगी 1/4 माइनस मार्किंग। बच्चे बोलेंगे हम तो फंस गए, गलत करे तो नंबर कटेगा, सही करे तो नंबर कटेगा, सही करने की कोशिश में गलत हो गया तो नंबर कटेगा। तो या आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप ए बी सी डी में से अगर आपको आता है बी तो आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं आता है तो ए बी सी डी में से कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है, नहीं आ रहा है एमसीक्यू, छोड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, उस ए ऑप्शन में क्या करना है, टिक कर देना, उस ई ऑप्शन को क्या करना है, गोला करना है काला, पूरा काला गोला करने के बाद में ई ऑप्शन के ऊपर काला गोला करना और कुछ भी नहीं करना। ई ऑप्शन का मतलब है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, बस इसका मतलब ये होगा। तो ऐसा नहीं है ना नोप दिया वो आपको नहीं पता है, वो आएगा तो चौथे ऑप्शन में आएगा, पांचवे में नहीं आएगा, तो ई ऑप्शन सब में भरना है आपको, ऐसा कोई सा प्रश्न छोड़ना नहीं है जिसके अंदर ई ना भरो। ई अगर आपने नहीं भरा है, ऐसे 10 क्वेश्चन हो गए तो 10 क्वेश्चन होने पर आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। जो नहीं आ रहे उनमें ए बी सी डी में से मत भरना, क्योंकि जो नहीं आ रहे हैं एमसीक्यू ए बी सी डी में से अगर आपने भर दिया, ठीक है, तो वो आपके माइनस में चला जाएगा, क्योंकि आपने गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो पैटर्न क्या हुआ, नया हुआ, ई ऑप्शन जो आ रहा है आपका उसमें कोई ऑप्शन नहीं होके आपके ऐसा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अगर आपने कोई यहाँ पे कोई भी आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, प्लेग भी नहीं आ रहा है, डिजीज भी नहीं आ रहा, डिप्थीरिया निमोनिया कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो ई ऑप्शन को आप इस प्रकार से गोला कर सकते हो, इसका आपके नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, न तो आपको मिलेगा न कटेगा, लेकिन ये गोला भरना जरूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन आपने अगर मान लो ए कर दिया, ठीक है, अगर मान लो आपको आ गया डिप्थीरिया है, अब जैसा कि मैं बताऊं आपको,
जैसा कि ये क्वेश्चन है, एक कप किस कंडीशन में आप नहीं भरोगे, ठीक है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, आपको पता है कि बैक्टीरियल डिजीज जो नहीं है उसका पता लगाना है, तो डेंगू नहीं है, ठीक है। तो अब आपने डी भर दिया यहाँ पे प्यार दोस्तों, अब ये डी तो आपने भर दिया, ठीक है बहुत अच्छी बात है, डी भर दिया तो आ रहा है आपको, भर दिया आपने। अब ए को मत भरना, ऐसा नहीं है आपने डी भी भर दिया नहीं ए भी भर दिया, ऐसा नहीं मत करना। जब आपको ए बी सी डी में से कुछ भी नहीं आया तब ये भरना, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन मैं नहीं करना चाहता हूँ, कहने का मतलब ये 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इसके, इसीलिए बता रहा हूँ। ये जानकारी के लिए बहुत अच्छी जानकारी है और ये हर चैनल पर बताई जा रही है, इसलिए मैंने इस चैनल पर भी बताना उचित समझा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये यहाँ पर डेंगू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वायरल बीमारी है। नेक्स्ट है आईपीएल 2024 के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे, तो आंसर आपके सामने है मिचेल स्टार्क, ठीक है। तो सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट है यहाँ पर, मिचेल स्टार्क को न सिर्फ आईपीएल 2024 में महंगे बिकने को खिलाड़ी बने हैं, बल्कि वे इस लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, मतलब अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी भी कौन है, मिचेल स्टार्क। और मिचेल स्टार्क कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के है, यहाँ पे नहीं है। और ये चुने गए थे कोलकाता नाइट राइडर्स ने चुना था, कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग बोलते हैं जिसे, ठीक है, उसके अंदर इनको चुना गया था और 24 करोड़ रुपए देंगे इनको, कितने रुपए देंगे, 24 करोड़ रुपए केकेआर ने चुना था, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। पेंस कमिंस को 20 करोड़ में खरीदा था, और किसने खरीदा था, CSRH ने, ठीक है, SRH ने, SRH का मतलब सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद की टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, और वो शिखर धवन है शायद कप्तान उसका, ठीक है। तो उसने चुना था इसको, पेंस कमिंस को। और डेरिल मिचेल जो 14 करोड़ में बिके हैं, CSK ने चुना था इसको, CSK ने, चेन्नई सुपर किंग ने, ठीक है। और हर्षल पटेल जो अपने इंडिया का ही है, ये 11 करोड़ में बिका था, और इसको किंग इलेवन पंजाब ने चुना था। और अलजारी जोसेफ को 11.50 करोड़ में खरीदा था RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, ठीक है। ये सारे के सारे आईपीएल के नाम हैं, जो महंगे महंगे खिलाड़ी है, 5 महंगे खिलाड़ी, टॉप खिलाड़ी, उनके नाम, जिसमें एक हर्षल पटेल है 4 नंबर पर आ रहा है, ठीक है, अपना इंडिया का खिलाड़ी, बाकी सारे बाहर के, ठीक है। अब देखो बाहर के कितने करोड़ों रुपये यहाँ से ले जा रहे हैं, अब सोच सकते हो। नेक्स्ट है 431 तो नंबर है, ठीक है, इसको आप बाहर कर देना, ठीक है, इसको आप मत पढ़ना, इसको मत पढ़ना। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यवाही निर्देशक ED बने, ठीक है, कौन सा व्यक्ति है, तो प्रभु काली रावणा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नारी शक्ति अभियान कब लॉन्च हुआ था, 2022, 2018, 2024 या 2023, तो नारी शक्ति अभियान 2023 में लॉन्च हुआ था, 24 मत कर देना, सब जगह 24 नहीं होता है, 23 में लॉन्च हुआ था यह नारी शक्ति अभियान। नेक्स्ट है नारी शक्ति अभियान मतलब नारी शक्ति के बारे में बताया था कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी अपने देश में क्या होता है, जैसे अभी 2023 के अंदर हुआ था आपके विधानसभा का चुनाव, 2024 में होगा आपके लोकसभा का चुनाव, और फिर है पंचायती राज के चुनाव, तो अलग अलग यहाँ पे ईयर, और एक ही में ही नहीं, ऐसा नहीं अपने यहाँ पे सब राज्यों में ऐसा ही है सिस्टम, तो उस सिस्टम को इन्होंने क्या किया, एक नेशन एक इलेक्शन, पूरे अपना जो भारत है उसके अंदर एक ही साल में एक ही इलेक्शन के अंदर सारे इलेक्शन हो जाए, ठीक है, ऐसा एक मतलब उन्होंने ये दिया था, नारा दिया था, वो किसने दिया था, नारा का मतलब एक अपना एडवाइस दिया था, अपने विचार रखा था, वो किन्होंने रखा था, तो ये पूछ रहा है, क्या PM नरेंद्र मोदी ने रखा था। अब सबका आंसर मेरे को बताया यही जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि सबके जुबान पे वही नाम चल रहा है, अभी राम मंदिर के ऊपर से भी वही नाम चल रहा है, नरेंद्र जी मोदी, तो हर जगह वो भी सही नहीं है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति अपने। फिर है पास्ट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, यानी पिछले जो अपने राष्ट्रपति है वो, या फिर राजस्थान के CM भजन लाल जी शर्मा, क्या इन्होंने रखा था। अब बताओ चारों यहाँ पर टॉप लेवल के नाम है, और चारों टॉप लेवल के नाम कहाँ से आए हैं, BJP से आए हैं, और बताओ इसका जल्दी से राइट आंसर, वन नेशन वन इलेक्शन किसने यहाँ पे बोला था कि एक नेशन में एक इलेक्शन होना चाहिए, ऐसे अलग अलग मत कराओ।
तो ये बोला था अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद, ठीक है, जिन्होंने अपने चाणक्य का रोल भी किया था, पहले जो आता था सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य पुराना सीरियल, ठीक है, दूरदर्शन पर जो आता था उसके अंदर चाणक्य का जिन्होंने रोल किया था वो भी रामनाथ जी कोविंद ही थे, ठीक है, पूछा जा सकता है रामनाथ जी कोविंद। द्रौपदी मुर्मू क्या है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, अभी जो अपने राष्ट्रपति है वो कौन है, द्रौपदी जी मुर्मू, ठीक है, और अपने पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र जी मोदी है, और राजस्थान के सीएम का नाम आपको पूछेंगे नहीं, वो छप चुका है एग्जाम में, वो पेपर में छप चुका है, वो सीएचओ में आ सकता है, वो चाहे इसमें आए, दोनों में से एक पेपर में छप चुका है, क्योंकि दोनों पेपर बनाने वाला एग्जामिनर एक है, ठीक है, एनएचएम के एमसीक्यू भी चाहे चाहे कोई दूसरा डालेगा, कम्युनिटी वाला डालेगा, लेकिन ये जो पेपर बन रहा है ये जीके वाला पेपर बनाने वाला एग्जामिनर एक ही होगा, और इसने डाल दिया है, ठीक है, एक ये डाला है, एक स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर का यहाँ पे क्वेश्चन भी उन्होंने डाल दिया, ऐसा समझ लीजिए वो तो छप चुका है आपको, ये तो पढ़ के ही जाना, ये चार नंबर तो पक्के करने हैं आज से ही, ठीक है, ये चार नंबर तो आपको छोड़ने ही नहीं है, पक्के करने ही है आज ही, कि सीएम कौन है अपने, भजन लाल जी शर्मा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, पूछा जाएगा और इसको गलत करके मत आए, चार नाम अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं हो चारों जगह भजन लाल लिखा हो, ठीक है, आगे एक के साथ मीणा लिखा हो, एक के साथ बैरवा लिखा हो, एक के साथ जाट लिखा हो और एक के साथ शर्मा लिखा हो, तो आप उसमें कन्फ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, कुछ भी हो सकता है, तो शर्मा है ध्यान रखना, पूरा नाम भजन लाल जी शर्मा, ठीक है, नेक्स्ट सी यहाँ पे करेक्ट है, रामनाथ जी कोविंद है, वन नेशन वन इलेक्शन का इन्होंने ही नारा दिया था, ठीक है, नेक्स्ट G20 2024 अब होगा, ठीक है, अब होगा, मैं यूँ नहीं बोल रहा, हो चुका है, अब होगा का ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्री, अब ऑर्गेनाइजेशन कर रही है अभी, ठीक है, अब करेगी मतलब, तो कौन सी कंट्री करेगी, अपन ने चाबी किसको दी थी, G20 की चाबी जो दी थी वो किसको दी थी, अब G20 का कोई ऑफिस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपका WHO का जैसे हेडक्वार्टर है, ऐसा भी G20 का भी कोई हेडक्वार्टर होगा, नहीं हेडक्वार्टर नहीं है इसका, ये G20 होता है, इसमें तीन चीज मेन ट्रायड होता है, ठीक है, एक तो अपन से पहले जैसे अपन ने अभी भारत ने 2023 का G20 ऑर्गेनाइज किया, होस्ट किया, ठीक है, तो अपने से पहले किसने किया था, साउथ अफ्रीका ने किया था, किसी ने भी किया था, ठीक है, तो वहां से चाबी लेंगे अपन और अपन देंगे अगले वाले को, अपन ने अभी कर लिया, सबको बुला लिया, और अपन जो अगला करेगा G20 उसको चाबी देंगे, ताकि सबको पता चल जाएगा कि अब अगला होस्ट कौन करेगा, वो साउथ अफ्रीका करेगी या ऑस्ट्रेलिया करेगी या न्यूजीलैंड करेगी या इंग्लैंड करेगी, कौन करेगी, ठीक है, तो ऑप्शन है चार ऑप्शन, 2024 का होस्ट किसके हाथ में है, तो 2024 का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन करेगी आपकी साउथ अफ्रीका, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, अभी इंडिया ने किया था। नेक्स्ट G20 2023 जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो अपने इंडिया में ही हुआ था, तो राइट आंसर इंडिया दिल्ली, बिल्कुल राइट आंसर है, साउथ अफ्रीका अगला, ठीक है, नेक्स्ट ये G20 जो है इसके अंदर तीन चीज़ें इन्होंने बोली थी, और यही इसका क्या है थीम भी है, थीम भी बोल सकते हैं अपन 2023 की G20 की थीम क्या थी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपके हिंदी में अगर क्वेश्चन आता है तो हिंदी में आपको लिखा हुआ आएगा वसुदेव कुटुंबकम, ये इसकी थीम थी, और इसका मतलब होता है वन अर्थ, यानी एक पृथ्वी एक फैमिली है, पूरी एक फैमिली है, और यही हमारा क्या है फ्यूचर है, एक फ्यूचर, सबका एक फ्यूचर होना चाहिए, पूरी वर्ल्ड है वो एक ही फैमिली है, पूरी पृथ्वी एक है, ठीक है, ये थीम थी वसु, यहाँ पे किन्होंने रखी थी G20 2023 के नरेंद्र जी मोदी ने यहाँ पे 2023 के अंदर ये रखी थी अपने इंडिया के अंदर। नेक्स्ट ये थंबनेल पूछी है, तो थंबनेल आपको पूछा जा सकता है ऑल अर्थ आर फैमिली, बस पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट है कि सारी अर्थ क्या है एक फैमिली है, ठीक है, और फ्यूचर है हमारी, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आपको पूछेंगे कि स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है वो मैक यानी बनना है फर्स्ट कहाँ पे बनना है, ठीक है, ये सीएचओ को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो हेल्थ यूनिवर्सिटी कौन सी है जहाँ पे स्पाइनल इंजरी के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए सेंटर बनाया गया है, सबसे पहली बार बनाया गया पूरा भारत में, पहली बार वहाँ पे बना है, एम्स में, BFHU में, SGPGI में या KGMU में, तो ये KGMU में बना है, कहाँ पे बना है KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेरे को पता है आपको नहीं आता होगा ये नया MCQ है तो कहाँ से आएगा करंट अफेयर्स के साथ, ये हेल्थ से रिलेटेड है इसलिए इसके ऊपर थोड़ा मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, आ सकता है, लेकिन चलो ये UP में है तो UP में पूछ सकता है, अपने नहीं भी पूछे
ठीक है, इतना में मतलब वो नहीं है, लेकिन अपने यहाँ पे एम्स कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है। एम्स अपने यहाँ पे पूरे इंडिया पूरे राजस्थान के अंदर एक ही है और जोधपुर में है, जिसको अपन बोलते हैं अखिल भारतीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है, आयुर्विद्या आयुर्विज्ञान केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है 2023 इलेक्शन विधानसभा बीजेपी विनर इन विच स्टेट, कौन कौन से स्टेट में बीजेपी ने परचम लहराया था, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, और फिर लिखा है ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी तीनों में से ही यहाँ पे जीती थी, जो जीतना था वो तीनों में से ही जीता था, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, न्यू प्रेजेंट सीएम ऑफ राजस्थान, अभी जस्ट बताया था मैंने, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया, भजन लाल जी शर्मा, सचिन पायलट। तो अगर मान लो पूछे आपको कि एक्स सीएम कौन थी, एक्स यानी जो बीत चुका है समय, उसमें सीएम कौन था, तो वो अशोक जी गहलोत थे, और उनके पहले कौन था, वसुंधरा राजे थी बीजेपी में, और वसुंधरा राजे के फिर पहले कौन था, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत को फिर पहले कौन था, वसुंधरा राजे, ठीक है, ये एक से एक चल रहा था, लेकिन इस बार अशोक गहलोत जी ने जीते, बीजेपी जीती, लेकिन बीजेपी में उम्मीदवार किसको बना दिया, भजन लाल जी शर्मा को, सचिन पायलट कांग्रेस का है, ये हो गई नहीं, ये दोनों ही नहीं है, भजन लाल जी शर्मा सी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा भी पूछा जा सकता है 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, एक की डेथ हो चुकी थी, ठीक है, यहाँ पे 115 वोटों से 115 सीटों से यहाँ पे बीजेपी विनर हुई थी, ठीक है, जीती थी, पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा एमसीक्यू है, और जय श्री राम एक बार बोल के इसका नाम आप बताना है, आपको इसका आंसर आपको बताना है, बोलो मेरे साथ में सभी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम मंदिर का उद्घाटन कब और कहां किया गया है, बहुत अच्छा एमसीक्यू है, आ सकता है आपके 2024 का 24 का लेटेस्ट एमसीक्यू है, तो आपके तो पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले डिक्लेयर हो चुका था, इसलिए देखो पेपर में ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी बना है, पेपर बन चुका था पहले, पेपर तो आप सोच सकते हो जनवरी जब स्टार्ट हुआ ना, फर्स्ट वीक में आपके पेपर बन रहा था, ठीक है, तो फर्स्ट वीक में तो ये पता चल गया था कि 22 तारीख को है, ठीक है, तो वो ऐसा एमसीक्यू तो डाल सकता है ऑब्वियसली, अगरबत्ती वगैरह नहीं बनी थी, लेकिन वो जानकारी के लिए मैं बता दूँ आपको वो भी, तो क्या 22 जनवरी 2024 अयोध्या, फिर लिखा 22 जनवरी 2024 23 लखनऊ, और न्यू दिल्ली 2024 22 जनवरी, और फिर लिखा नन ऑफ द अबो, बिल्कुल इजी है ये तो, कुछ नहीं, ए राइट है यहाँ पे, सबको भी पता है कि अयोध्या में हुआ था, और वो भी 2024 में हुआ था 22 जनवरी को, ठीक है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी ये इन्होंने लिखाया है यहाँ पे, इंच कर देना 51 इंच, ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई, अगरबत्ती की ऊंचाई की पूछे आपको तो 108 फीट, और खंभे कितने हैं पूरे मंदिर में, तो पूरे मंदिर में जो खंभे हैं 992, ठीक है, और 161 फीट की है मंदिर की ऊंचाई, ठीक है, और साकेत फैजाबाद ये अयोध्या का दूसरा नाम, साकेत भी बोलते हैं इसी को, फैजाबाद भी बोलते हैं, ठीक है, पुराना नाम फैजाबाद था, वो बदल दिया वापस सीएमजी योगी ने, वापस अयोध्या कर दिया, और अयोध्या ही नाम रहना चाहिए, श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री राम की, ये मंदिर है अयोध्या का राम मंदिर, ठीक है, ये एक्चुअल इमेज नहीं है, ये मतलब आइडियल इमेज है, तो पहले बनाई थी वो है, ठीक है, बाकी मेन जो राम मंदिर है वो तो अब बनेगा और अब आएगा अपने सामने, ठीक है, अभी तक भी पूरा बना नहीं है, ठीक है। और आपको इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा नंबर का, भारत का पहला नंबर का तो स्टेडियम है अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम चुका है गुजरात के अहमदाबाद में, लेकिन इस भारत का दूसरा नंबर का स्टेडियम और विश्व का तीसरा, विश्व का पहला कौन सा है, नरेंद्र मोदी से, ठीक है, विश्व का दूसरा पूछे आपको मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये नहीं पूछेंगे आपको, पर भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा स्टेडियम आपको पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका राजस्थान सीएचओ का एग्जाम है, राजस्थान एनएचएम का एग्जाम है, और वो स्टेडियम राजस्थान में बन रहा है, और वो स्टेडियम कहाँ बन रहा है, आपकी राजधानी में बन रहा है, जयपुर में बन रहा है, ऑप्शन दो है जयपुर के भी, या जयपुर सीतापुरा एसएमएस स्टेडियम, उदयपुर महाराणा प्रताप स्टेडियम, जयपुर चौंप गाँव स्टेडियम, या कोटा, तो जयपुर में चौंप गाँव जो है, देखो ये तो पुराना है,
सब जयपुर के अंदर सीतापुरा जो स्टेडियम है वो तो पुराना स्टेडियम है, ठीक है, वो जयपुर का सबसे पुराना स्टेडियम वही है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये सबसे बड़ा नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। ये चौप गांव में बनाया जा रहा, वहाँ पे स्पेस नहीं है इतना, इसलिए चौप गांव है, जयपुर के अंदर ही है, ठीक है। तो बाहर है थोड़ा जयपुर से, ठीक है, वहाँ पे ये स्टेडियम बन रहा है, पर नाम तो जयपुर का ही होगा। तो भारत का दूसरा नंबर का, भारत का तो दूसरा, पहला तो वो है, ठीक है, कौन सा, नरेंद्र मोदी, और दूसरा भारत का चौप गांव। तीसरा जो है विश्व का तीसरा भी यही है, जयपुर का यहाँ पर चौप गांव स्टेडियम। और वो कैसा होगा स्टेडियम, उसकी रूप रेखा कैसी होगी, वो भी आप देख सकते हैं आप, सी करेक्ट है। और पॉपुलेशन कैपेसिटी होगी उसकी 75,000, उसकी कितनी है, 1,27,000, ठीक है, नरेंद्र मोदी की। उसके बाद में सेकंड नंबर पर यही आ रहा है, 75,000 कैपेसिटी रखेगा ये आप जो बोर्ड देख सकते हो, ये बोर्ड रियल फोटो है वहाँ का, जहाँ पे काम चल रहा है इसका वहाँ का, ठीक है। क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, विलेज चौप जयपुर, ठीक है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन लिख रखा है। इस प्रकार से ये स्टेडियम बनेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो पूरी जमीन का दायरा वगैरह सब कुछ कंप्लीट है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स होने का सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, मेनिनजाइटिस, ओरचाइटिस, ओटाइटिस, मीडिया, सारे ही हैं, लेकिन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में ही ये सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही हैं, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये इसके अंदर आते हैं सारे, तो वो ज़्यादा राइट होगा, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन वही होगा। कुछ नर्सिंग के एमसीक्यू भी मैंने सोचा करा ही दूँ साथ में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, आंध्र प्रदेश है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा तो इसरो का अनुसंधान केंद्र है, लेकिन उसका मुख्यालय पूछा आपको तो बेंगलोर है, ठीक है, श्रीहरिकोटा बेंगलोर के पास में ही से, बिल्कुल ऐसा नहीं बेंगलोर से दूर है, ठीक है, बेंगलोर के पास में ही से थोड़ा सा दूर है। विषाणु में क्या होता है, विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, ठीक है। विषाणु में क्या होता है, विषाणु यानी वायरस, और वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, और वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके डीएनए में पाए जाते हैं, सॉरी यहाँ पे केंद्रक में पाए जाते हैं। देखो ये आपका विषाणु है, और विषाणु का भी यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और इसी न्यूक्लियस में यह क्या पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों। सोर्स क्या है, सार्स, सार्स यही है, देखो सार्स का मतलब होता है, फुल फॉर्म भी बता दूँ मैं आपको, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और यह होता है आपके विषाणु जनित रोग, संगठन नहीं है, युद्धपोत नहीं है, संचार प्रणाली नहीं है, विषाणु जनित रोग, ये अपना ही है, अपना ही MCQ है, यह RRB CG के एग्जाम में आया था, 2003 के एग्जाम में आ चुका था। नेक्स्ट है आपके इसी के ऊपर से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्री यौन अभिलक्षण के विकास के लिए उत्तरदायी है, यौन अभिलक्षण, यौन का मतलब होता है आपके प्यूबर्टी, ठीक है, और प्यूबर्टी के लिए एस्ट्रोजन, ठीक है, और यह क्या कराता है, मैचुरेशन साइकिल को मतलब ऑनसेट करवाता है, ठीक है। तो प्यार दोस्तों अपनी जो क्लास थी वो यहीं तक थी, करंट अफेयर्स की क्लास, कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो एक लाइक ज़रूर करना, और क्लास को शेयर ज़रूर कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करना, ये आपकी एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक शेयर, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए बच्चे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजी टू इजी और टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता है, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं है, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है, हम तो पैदा हुए हैं जीतने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।